हेलो दोस्तों, तो देखिए आज मैं आपको ये जो स्मार्ट वॉच हमारी अभी स्टार्ट हो गई है मार्केट में न्यू, तो इनमें भी काफ़ी तरह की प्रॉब्लम आ रही है। और एक ज़्यादातर जो मेरा प्रॉब्लम आ रहा है वो चार्जिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसी चार्जिंग की प्रॉब्लम के लिए बताऊँगा। देखिए इस वॉच में किस तरीके की प्रॉब्लम था, इसमें वायरलेस चार्जर है। अभी देखिए वायरलेस चार्जर पे मैंने इसको लगाया, तो यहाँ पे देखिए बता रहा है चार्ज हो रहा है ये, लेकिन ये जो हमारी वॉच है इस तरीके से चार्ज बताएगी। और इसको निकालने के बाद ये लगभग 1 या 2 ही मिनट चलेगी, उसके बाद ये डिस्चार्ज होके बंद हो जाएगी, एकदम डेड हो जाएगी। उसके बाद वापस चार्ज लगाओगे, वापस चार्ज होगी और उसके बाद बंद हो जाएगी। इसी के बारे में आपको मैं सारा इस वीडियो में बताऊंगा फुल डिटेल में, कि इसको किस तरीके से इसमें प्रॉब्लम आती है, किस किस तरीके की, और इसे हम कैसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए इसमें नॉर्मल मैं स्टार्टिंग बता दूँ, उसमें पट्टा वगैरह तो ये हमारा नॉर्मल रहता है, इसको कोई भी निकाल सकता है। यहाँ से हम इसको इस तरीके से प्रेस करते हैं, ये लॉक लगा हुआ है, और लगा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। तो अभी पट्टा मैंने निकाल दिया है, और उसके बाद देखिए इसमें इस तरीके की एलनकी लगती है। इसके स्क्रू खोलने के लिए इसमें 4 स्क्रू लगे हुए हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मॉडल में अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें हमारे अरे मेरे तो इसको मैं बात यहाँ पे देखिए स्क्रू निकाल लेता हूँ। 2 स्क्रू मैंने पहले से खोल लिए थे इसके, और 2 स्क्रू इसमें लगे हुए हैं, और स्क्रू निकालने के बाद ये स्क्रू मैंने निकल गया। निकालने के बाद आपको देखिए इसका ढक्कन एकदम से ताना नहीं है। इसमें हम देखेंगे एक हमारा इसमें वायरलेस चार्जर का कॉइल लगा है, और दूसरा ये जो हमारा एलईडी बल्ब रहता है यहाँ पे, जो हमारा एलईडी शो करता है, तो वो एलईडी का भी इसमें यहाँ पर हमारा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा एलईडी बल्ब लगे हैं, इसके अलावा ये हमारा वायरलेस चार्जर है। अभी देखिए चार्जर में जहाँ तक प्रॉब्लम आता है स्लो चार्जिंग का, और भी अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम रहता है। तो देखिए इसमें मैं बता दूं चार्जिंग का जो प्रॉब्लम आता है ज़्यादातर, तो एक तो हमारा ये जो मैग्नेट है यहाँ पे देखिए, ये मैग्नेट सेट है, देखिए ये मेरा चिपक रहा है। यदि ये मैग्नेट हमारा यहाँ से निकल जाएगा तो ये चार्जर अच्छी तरीके से हमारा उसमें फिट नहीं बैठता है। अभी देखिए ये चार्जर में ही मेरा मैग्नेट रहता है, ठीक है। यदि चार्जर का मैग्नेट या ये मैग्नेट निकल जाए तो अभी देखिए ये हमारा एकदम चिपक रहा है, इस तरीके से नहीं चिपकेगा जब भी हमारा ये चार्जिंग का प्रॉब्लम आएगा। दूसरा, जैसे इसमें अभी ये कॉल इसमें लगा हुआ है, ये कॉल यदि इसमें नहीं लगा होगा ठीक से, ये कॉल इसमें चिपका नहीं होगा, तब भी इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा। और उसके बाद मैं बता दूं, देखिए इसका बैटरी है, बैटरी यहाँ पे बाहर निकल आता है इसका, और ये जो दे बैटरी आप देख रहे हैं ये नॉर्मल हमें मार्केट में ही मिल जाता है इस तरीके का बैटरी। आपका यदि घड़ी पुराना है और इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, तो कुछ कुछ बैटरियों में सॉरी सॉरी घड़ी में हमारा बैटरी ख़राब हो जाता है। ये बैटरी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, देखिए ये बैटरी है, ये बैटरी आप इजीली चेक चेंज कर सकते हो यदि आपके पास पतला वाला कहिया है। देखिए ये प्लेट हमारा बाहर नहीं निकलता है, इसके लिए हमारा ये पूरा डिस्प्ले खुलेगा जब ये हमारा बोर्ड बाहर निकलेगा। तो इसमें क्या रहता है, यहाँ से देखिए ये जो आपके लगे हुए हैं, आपके पास यदि पतला वाला कहिया होगा तो ये टांके आप ये जो शोल्डर हैं यहाँ पर ये इजीली निकाल सकते हो। ब्लैक में ब्लैक लगाना है और रेड में रेड वायर लगाना है। और इसके अलावा आप ये देखोगे ये हमारा वायर जो लगे हुए हैं, ये हमारा वायरलेस चार्जिंग के तार लगे हुए यहाँ पर, और ये हमारा वाइब्रेशन मोटर है। तो इसमें ज़्यादातर यदि ये जो वायर है ये कभी कभी हमारा ड्राई सोल्ड हो जाते हैं, ये वाले वायर जी, उससे भी हमारा चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है। और इसमें इसी तरीके का नॉर्मली प्रॉब्लम रहेगा, और ज़्यादातर आपको कुछ नहीं करना है, इसका बैक कवर खोल के यदि बैटरी बैकअप कम हो गया तो यदि देखिए इसका बैटरी बैकअप यदि आपको लग रहा है आपकी वॉच पुरानी है, बैटरी बैकअप कम हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस तरीके का आपको बैटरी मिलेगा मार्केट में, और यहाँ से लाकर पतले वाले जो शोल्डर आयरन है ना, वहाँ से आप इसके ये वायर लगवा के, हमारा बैटरी ही प्रॉब्लम करता है ज़्यादातर। और चार्जिंग का जो प्रॉब्लम बताया मैंने, ये मैग्नेट यदि निकल जाएगा या फिर ये जो हमारा लगा हुआ है वायर का, इसके अंदर हमारे इस तरीके के वायर को राउंड राउंड घुमाया जाता है, जैसे इसमें जो वायरलेस चार्जिंग है यहाँ से करंट बनता है, उसके बाद इसमें हमारा वोल्टेज आता है। और बैटरी देखिए मैं आपको बता दूँ, इसमें
3.7 वोल्ट की बैटरी होती है वैसे, और हमारा यदि हम मीटर से चेक करेंगे 4 वोल्ट के समथिंग हमारा वोल्टेज बताती है। और इसको ये जो वायरलेस चार्जर है हमारा नॉर्मली चार्जर से चल रहा है, तो यही इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपके पास घड़ी है उसमें किसी और तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में बता दूंगा। ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया ये नॉर्मल हमारा प्रॉब्लम आता है घड़ी में, चार्जिंग का ही आता है ज़्यादातर। वायरलेस चार्जर में यदि ये मैग्नेट वगैरह निकल जाएगा तो ये प्रॉब्लम आएगा। अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चार्जिंग होने लगा और मैं इसको हटाऊँगा तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का इसमें प्रॉब्लम आता है चार्जिंग का, और ये मैग्नेट और ये मैंने आपको वायर का जो कॉइल रहता है इसी से प्रॉब्लम आता है, मैंने आपको बता दिया। ओके फ्रेंड्स।